हेलो डियर पेरेंट्स, आपका स्वागत है अनाया प्रिंस चैनल में। मैं आपके साथ आज जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है हमारे छोटे बच्चों के लिए, प्लस इसे पूरी फैमिली मेंबर्स यानी कि बड़े लोग भी बहुत ही आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर का पराठा। तो सबसे पहले आटा लगा करके रेडी करेंगे पराठों को बनाने के लिए। आटे में मैं डाल रही हूँ नमक और अजवाइन। हमने अजवाइन फिलिंग में भी यूज करी है, तो आप चाहें तो यहाँ आटे में स्किप कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट आटा हम लगा करके रख लेंगे। आटे में आप गूंथते समय चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हैं, उससे जो आपके पराठे हैं वो बहुत अच्छे खस्ते बनकर के तैयार होंगे। आटा रख करके तैयार हो गया, इसे लगभग 10 मिनट तक के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग बना करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पनीर, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया है, यानी कि उसे मैंने अपने हाथों से ही क्रम्बल कर लिया है। और ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया है। आप कोशिश करिए कि पनीर आप अपने बच्चों को जब कभी भी दें तो घर पर बनाएं। घर पे बहुत ही आसान है, सिर्फ आधे घंटे में पनीर बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको मसल लूंगी। मसलने के बाद बहुत ही अच्छे से ये छोटे छोटे पीसेस में रेडी हो जाएगा। फिर मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो मटर स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ पनीर का पराठा अपने बच्चों को दे सकते हैं। मटर डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। उससे डाइजेशन जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा हो जाता है बच्चों का, उन्हें बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगेगा खाने के बाद। तो मैंने लगभग 2 चुटकी अजवाइन ली है, इस तरह से हाथों में क्रश करके उसमें डाल दिया है। फिर इसमें कुछ सूखे मसाले भी जाएंगे, आप मसाले स्किप कर सकते हैं जो आपका बच्चा नहीं खाता है। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया है, बिल्कुल चुटकी भर जीरा पाउडर ले रही हूँ। जीरा पाउडर से इस पराठे का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, प्लस हमारे बच्चों को ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बच्चों को कुछ बेसिक मसाले वो ज़रूर आपको देने चाहिए। फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च भी हमारे बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, प्लस ये बच्चों की भूख को भी इंक्रीज करती है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो बच्चों का खाना है, खिचड़ी है, दाल है, उन सब में आप काली मिर्च ऐड करना कोशिश करें। तो मैंने चुटकी भर काली मिर्च ऐड कर दी है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर से जो खटास है वो बहुत अच्छी आती है, प्लस आप 1 साल के ऊपर के बच्चों को अमचूर या फिर खटाई आराम से दे सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल चुटकी भर नमक दें। बच्चा आपको जितना खाना प्रेफर करता है उसके हिसाब से आप इसका टेस्ट कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से मैश करते जाएं जिससे हमारे मटर हैं वो बहुत अच्छे से टूटते जाएंगे, और जब हम पराठा बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं और हमारा पराठा फटेगा नहीं। तो देखिए मैंने ये कच्चे पनीर के साथ बनाए हैं। आप यही प्रोसेस पनीर को सॉटे करके, यानी कि जब हम पनीर की भुर्जी बनाते हैं तो उस प्रोसेस से बना करके भी बच्चों को दे सकते हैं। मेरी बेटी इस तरीके का खाना प्रेफर करती है, वो भुर्जी वाला उतना पसंद नहीं करती है। तो मैं वीडियो में आपको इस तरीके का ही शो कर रही हूँ। वेरिएशंस आप अपने हिसाब से डेफिनेटली करिए। आपके बच्चों को जो चीज़ें खाने में पसंद है उसके हिसाब से उन्हें दीजिए, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम बच्चों को ये भी खिला दें वो भी खिला दें, इस चक्कर में बच्चा जो खा रहा है वो भी खाना छोड़ देता है। तो बेटर है कि आप अपने पराठों में प्याज टमाटर जो भी इंक्लूड कर रहे हैं वो बच्चे के टेस्ट के हिसाब से करें। ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है, प्रॉपर कंबाइन हो रहा है। देखिए मैंने हाथ में उठाया है और एक लड्डू सा बनाया है, तो बहुत अच्छे से बन गया। इतनी देर में हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। अब इसे एक बार अच्छे से और मसल देंगे ताकि जो इसमें गुठलियां होती हैं वो प्रॉपर टूट जाएंगी, और फिर इसका एक छोटा सा बॉल बना करके इसका पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप जिस भी वे में कन्वीनियंट या फिर कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस तरीके से इस पराठे को बना करके रेडी कर सकते हैं। सिंपल, आप जब घर पे आलू के पराठे बनाते हैं तो जैसे उसके स्टफिंग करते हैं वैसे ही प्रोसेस फॉलो करिए और अपना पराठा बनाइए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा बॉल लिया है। बॉल को हल्का सा आटे में रोल करके उसका मैं कटोरी जैसा बना लूंगी। फिर उसके बाद अपनी पनीर की स्टफिंग को भर दूंगी। स्टफिंग आप उतनी ही रखें जितनी की आप कोशिश करें कि बाहर ना निकले बेलते समय। तो मैंने स्टफिंग फिल कर दी है। उसके बाद मैं अपनी इस कटोरी को पूरी तरीके से सील कर दूंगी और अपने हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा आटा लगाते हुए अपने पराठे को बेल करके रेडी करूंगी। पराठा अच्छे से बेलने के बाद अब इसे हम गरम गरम तवे पे सेकेंगे। तो मैंने एक तवा रखा था पहले से गरम होने के लिए। तवा आपका हल्का सा गरम हो जाता है तब आप उसमें पराठे डाल दें। अब देखिए एक तरफ से ये हल्का सा सेक चुका है तो मैं इसे टर्न कर दूंगी। अब दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेकेगा तब मैं दोनों तरफ घी लगाना शुरू करूंगी। मैंने अपने बच्चे के हर खाने में उसे घी देने की कोशिश करती हूँ कि ऑयल ना दूं उसके ज्यादा खाने में, क्योंकि ऑयल इतना हेल्दी होता नहीं है
और बच्चे के दिन भर के खाने में 1 से 2 चम्मच घी हम दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, कोई नुकसान नहीं करता बच्चों को। तो कुछ इस तरीके से हम अपने दोनों तरफ घी लगाएंगे और हमारा ये पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। पनीर का पराठा 1 साल के ऊपर आप उन बच्चों को बहुत अच्छे से दीजिए जिनका की वेट कम है या फिर जो दूध नहीं पी रहे हैं। वैसे तो आप रेगुलर हर बच्चे को ये दे सकते हैं, बट पनीर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो इस तरीके के थोड़े उनके प्रॉब्लम्स है, या कि वेट गेन नहीं हो रहा है, या फिर वो दूध पीने में नाटक करते हैं, थोड़ा उन्हें दूध पसंद नहीं आता है। तो पनीर जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस ये डेयरी प्रोडक्ट है, तो आप अपने बच्चे की डाइट में इसे जरूर से इंक्लूड करें। तो ये गर्मा गर्म पनीर के पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। आप इसे अपने बच्चों को कोई सब्जी या फिर चटनी या फिर बटर के साथ दे सकते हैं। मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।